नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 समूह की अध्यक्षता का संबंध समूचे राष्ट्र से और ये देश की शक्ति प्रदर्शन का अनूठा अवसर है। गुजरात में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए निर्वाचित विधायकों की बैठक आज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान को अधिकृत किया। चक्रवाती तूफान मंदोस तमिलनाडु पहुंचा, मौसम विभाग का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश तथा आंधी तूफान का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और क्रोएशिया सेमीफाइनल में पहुंचे। बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज चटगांव में और महिला क्रिकेट में पहले 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी हुई है और ये देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के सहयोग की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से हटकर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कल राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ G20 की अध्यक्षता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करने पर बल दिया ताकि वे व्यापार, निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकें। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में बैठक होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीट मिली है। कांग्रेस ने 17 और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े पार्टी होने के नाते भाजपा ने अगली सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। पूरी संभावना है कि श्री भूपेंद्र पटेल को विधायक दल के नेता के रूप में फिर चुना जाए। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ नए मंत्रिपरिषद के भी शपथ लेने की संभावना है। सुशील चंद्र तिवारी के साथ मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित करके अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि विधायक दल की कल शिमला में बैठक हुई जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह इस बैठक में शामिल हुईं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स।
देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी, तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। खुजली झटपट दूर करें, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे। वे नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी नागपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नागपुर में ही एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं के आधारशिला लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान कल श्री शिंदे ने दो परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। ये परियोजनाएं हैं नाग नदी का पुनरुद्धार और नागपुर मेट्रो का दूसरा चरण। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष रबी फसलों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि रबी फसलों का बुआई क्षेत्र 457 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 526 लाख हेक्टेयर हो गया है। बुआई क्षेत्र में वृद्धि सभी फसलों में हुई है, लेकिन गेहूं की बुआई सबसे अधिक हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि बुआई क्षेत्र के बढ़ने और अधिक उत्पादन होने से देश में अनाज उत्पादन में नई उपलब्धि हासिल होगी। सरकार ने कहा है कि 535 रेलवे स्टेशनों को 572 एक स्टेशन एक उत्पाद विक्रय केंद्र के अंतर्गत लाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार और समाज के वंचित वर्गों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के 100% कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक घर से काम करने की अनुमति दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय उद्योग की आवश्यकताओं और दूसरे और तीसरी श्रेणी के शहरों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और युवाओं को भर्ती करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि एक आरोपी ने पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हथियारों की आपूर्ति की थी। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के स्मरण में यह दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी लोगों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज चटगांव में खेला जाएगा। ये मैच दिन में 11:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश 2-0 की बढ़त बनाकर श्रृंखला पहले ही जीत चुका है। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला मैच 14 दिसंबर से चटगांव में होगा। महिला क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में ऑस्ट्रेलिया ने 5 20-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11 गेंद शेष रहते केवल 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। दूसरा 2020 मैच कल इसी स्थान पर खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 8:30 बजे मोरक्को का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। एक अन्य मैच में देर रात इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होंगे।
और अब विस्तृत जानकारी के साथ हैं विनय सक्सेना। 90 मिनट के रोमांचक मैच के बाद नेमार के शानदार गोल की बदौलत टीटे की टीम को लगा कि वे अतिरिक्त समय में मैच जीत जाएंगे, लेकिन क्रोएशिया के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी ब्रूनो पेटकोविच ने ब्राजील के इस सपने को तोड़ते हुए 117वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया और मैच को शूटआउट पर ले गए। क्रोएशिया के चारों पेनल्टी लेने वाले खिलाड़ियों निकोला व्लासिक, मिस्लाव ओरसिच, लोवरो माजेर और लुका मॉड्रिक ने गोल किए, लेकिन ब्राजील के लिए रोड्रिगो का पहला पेनल्टी डोमिनिक लिवाकोविच ने बचा लिया, जिसने पूरे मैच के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ब्राजील की तरफ से मार्क्रोनोस की किक ने गोल पोस्ट को हिट किया, जिससे टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ब्राजील का आगे का सफर खत्म हो गया। एक अन्य मैच में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने अपने वर्ल्ड कप के सपने को जिंदा रखते हुए नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला पिछले विश्व कप में दूसरे नंबर पर रही टीम क्रोएशिया से होगा। चक्रवाती तूफान मंदोस आज तड़के ममलापुरम के नजदीक उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया। ये तूफान कल आधी रात तटीय क्षेत्रों से टकराया था, लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हो सकती है। और अब देश के अन्य शहरों का मौसम। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, मुंबई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, चेन्नई में तेज वर्षा का अनुमान है, जम्मू में बादल छाए रहेंगे, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में वर्षा का अनुमान है, लेह और गिलगित में बारिश या बर्फबारी की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर चल रहे घमासान पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कांग्रेस ने दावा तो किया पर सीएम को लेकर खींचतान। उधर जनसत्ता लिखता है, हिमाचल में दिनभर चली जोर आजमाइश, आलाकमान पर छोड़ा फैसला। समान नागरिक संहिता पर निजी बिल राज्यसभा में पेश किए जाने को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक के बीच बिल पेश। पत्र ने इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के इस बयान को दिया है कि देश में खाद्यान्न संकट की आशंका नहीं। 75 साल पुराने गैर जरूरी डेंटल और नर्सिंग कानून खत्म होंगे, हिंदुस्तान ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही कानूनों को बदलने की तैयारी कर रही है। अमेरिका का ये बयान कि सहयोगी नहीं एक और महाशक्ति बनकर उभरेगा भारत, अमर उजाला में है। पत्र के अनुसार व्हाइट हाउस ने कहा, भारत से जिस तेजी से रिश्ते गहरे हुए वैसा किसी अन्य देश से नहीं। परमाणु गतिविधियों के सहयोग में लगी पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि इन कंपनियों को अब अमरीकी उपकरणों की खरीद में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अरुणाचल से सिक्किम तक एलएसी के करीब जाएंगे टूरिस्ट, नवभारत टाइम्स ने इसे सेना की पहल बताते हुए लिखा है कि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक और काराकोरम पास तक अलग अलग एडवेंचर अभियान करवा रही है। फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष की इस टिप्पणी को भी दिया है कि सुष्मिता ऊर्जा से भरे प्रेरणादायी, प्रभावशाली और बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 समूह की अध्यक्षता का संबंध समूचे राष्ट्र से और ये देश की शक्ति प्रदर्शन का अनूठा अवसर है। गुजरात में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान को अधिकृत किया। चक्रवाती तूफान मंदोस तमिलनाडु पहुंचा, मौसम विभाग का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश तथा आंधी तूफान का अनुमान। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और क्रोएशिया सेमीफाइनल में पहुंचे, बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज चट्टगांव में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।